गाइस, गाड़ी चलाते समय हेलमेट या सीट बेल्ट ना पहनना, लाइसेंस का ना होना और फिर उस पर भारी जुर्माना देना, ये ट्रैफिक रूल्स आपको सबको पता है। लेकिन आज मैं आपको 3 ऐसे ट्रैफिक रूल्स बताता हूँ जिसे जानने के बाद आप अपना जुर्माना और जेल जाने से बच सकते हैं। पहला, अगर आपका चालान कोई कांस्टेबल काट रहा है और वो आपसे 100 रुपए से ज्यादा ले रहा है तो आप उसे मना कर सकते हैं, क्योंकि एक कांस्टेबल की चालान काटने की लिमिट 100 रुपए से ज्यादा नहीं होती। दूसरा, अगर कोई भी ट्रैफिक ऑफिसर आपका चालान PUC यानी कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के लिए काट रहा है तो आप उसे मना कर सकते हैं, क्योंकि PUC पर चालान सिर्फ RTO ऑफिसर ही काट सकता है। और तीसरा, अगर आप ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं तो आपको कोई भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अरेस्ट करने का राइट ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं होता। गाइस, क्या आप इससे पहले तक ये इंटरेस्टिंग ट्रैफिक रूल जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसी अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, इस IPL सीजन 2022 में कई ऐसी चीजें हुई हैं जो IPL इतिहास या क्रिकेट इतिहास में पहली बार देखी गई। उन्हीं में से एक है IPL के सीजन की पहली और आखिरी गेंद पर विकेट गिरना। और इसमें भी खास बात यह है कि ये दोनों विकेट एक ही बॉलर ने ली थी। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। IPL 2022 की विजेता गुजरात टाइटन के प्रमुख गेंदबाज मोहम्मद शमी ने इस साल सीजन की शुरुआत में पहले मैच में पहले ओवर की पहली गेंद पर KL राहुल का विकेट लिया था, और टूर्नामेंट के अंत में 20वें ओवर की आखिरी गेंद में रियान पराग का। है ना इंटरेस्टिंग? गाइस, क्या आपने इससे पहले तक इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में सुना था? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और आपका कौन सा मोमेंट IPL में स्पेशल है कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।